अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी पाया बनाने जा रही हूँ। इसके अब्बा लेकर आ गए थे, कल शाम में लेकर आए थे, तो उसको तो साफ करके मैं रख दी। अब पकाऊंगी आज, कि उनको ना किसी दोस्त को देने का है, पकवा कर वही पका कर शाम को उनको देना है किसी दोस्त को। तो ये अभी बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी आप सबको बताऊंगी। और कल है, कल नहीं आज थी ना, हाँ आज है साइमा की बर्थडे। वो भतीजी है मेरी, वो गांव में रहती है, तो मेरे को याद नहीं था, नहीं तो मैं कल ही वीडियो बना के आज बर्थडे के दिन डाल देती। तो आज याद आया, तो वीडियो तो मिलेगी कल, आज तो नहीं मिलेगा। तो मैं सोची जाने दो, कल ही मिलेगा तो क्या हुआ। तो उसको तौफीक बोला, विश करूँगा मैं। और तौफीक, हैप्पी बर्थडे साइमा, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ, तो साइमा तौफीक हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, मैं भी हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। वो बहुत क्यूट है, वो उस बात इतना अच्छे से करती है ना कि उसके बात पे बहुत प्यार आ जाता है। समझे, उसका मैं फोटो लगा दूंगी थंबनेल पे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अभी पाया बनाना चालू करते हैं। ये पाया बनाऊंगी, ये मैं घर ही में साफ की हूँ, गर्म पानी करके इसको साफ कर ली हूँ। उसके बाद जो बारीक बारीक रुआ बचता है ना, उसके लिए इसको झुलसाना पड़ता है। अभी जितना काला काला है, अभी इसको आधे घंटे पानी में भिगा दूंगी। उसके बाद इसको ऐसे नखून से ऐसे ऐसे करके धोऊंगी। ये देखिए, अभी भी ऐसे भी साफ हो जा रहा है, ये पूरा उजला हो जाएगा। ये देखिए, नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए अब पानी में भिगा दूंगी ना, भिगा के ऐसे ऐसे खुरच दूंगी, ये पूरा इसका कालापन निकल जाएगा। तो आज इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी मैं। ये देखिए, पूरा कालापन जितना है सब निकल जाएगा। ये देखिए, काला काला जो था एकदम साफ करके धो ली हूँ। देखिए ये सब हो जाता है, भूनने के बाद ना काला हो जाता है, लेकिन साफ से धो तो एकदम साफ हो जाता है। पहले कितना काला लग रहा था, ये देखिए। अभी इसको मैं पकने को रखूंगी कुकर में। तो अभी इसमें नमक डाल दूंगी। ये देखिए, ये कैसे उड़ रहा है, देखिए गुड्डू उड़ने के लिए एकदम परेशान है आने के लिए यहाँ पे। गुड्डू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी ये उड़ने को सीख लिया है, कहीं भी रख दो तुरंत उड़ के आ जाता है। तो अभी इसमें नमक डालूंगी, हल्दी थोड़ा सा डालूंगी या पानी डालूंगी, और कुछ भी इसमें अभी नहीं डालूंगी। इसको जब पूरा अच्छे से पका लूंगी, गला लूंगी, फिर जाके इसमें बाकी का मसाला जो डालना होगा वो डालूंगी। तो ये पूरा पाया नहीं आया एक कुकर में, ये इतना बच गया है, तो ये इसको दूसरी कुकर में डाल दूंगी, क्योंकि बड़ा कुकर है नहीं। बड़ा कुकर तो है, 7 लीटर का कुकर है मेरे पास, लेकिन वो ना सीटी उसकी ख़राब है, उसमें अगर डालूंगी भी तो गलेगा नहीं। तो इसी में दो बार करके मैं बना लूंगी। अभी पानी डाल दूंगी, अब इसको मैं चढ़ा दूंगी। ज़्यादा फास्ट आंच पे नहीं चढ़ाना है,
मीडियम आंच पर चढ़ाना है कि धीरे धीरे ये गले, तब इसको रख चढ़ाती हूँ, फिर ये बन जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल के चढ़ाऊँगी, क्योंकि एक बार में नहीं होएगा। अगर एक बार डाल दूँगी तो गलेगा भी नहीं और पूरा पानी सीटी के जरिए बाहर आएगा। चलिए फिर मिलती हूँ इसको चढ़ा कर गैस पे। आज कौन जीतेगा तौफीक? सीधे से बैठो। किसका ज्यादा गोटी है अभी? नानी का। कितना गोटी है नानी का? आगे होके बैठो ना। चार। तेरा? मेरा दो। तौफीक ही जीतेगा आज भी, है ना? देखिए पाया एकदम मेरा गल गया है, बहुत अच्छा एकदम गला है। देखिए दो बार करके मुझे इसको गलाना पड़ा, क्योंकि एक कुकर में नहीं आ रहा था, तो दो बार करके गलाई हूँ और पूरा एकदम अच्छे से गल गया। अभी करेंगे हम इसके मसाला की तैयारी। अभी इसमें मसाला कुछ भी नहीं डाली थी, जो आपको दिखाई थी, हल्दी और नमक, बस इतना ही डाली हूँ। अभी मसाला मैं निकाल चुकी हूँ इसका, अभी दिखाती हूँ। ये प्याज, अदरक, लहसुन और ये धनिया, ये सब का पेस्ट बनाऊंगी और बाकी जो पाउडर है वो डालूंगी। इसमें ये अखा गरम मसाला सब ली हूँ, मैं तो ज़्यादा लेती नहीं हूँ, मालूम है गरम मसाला डालती नहीं हूँ अखा, मैं ज़्यादातर के पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें तो थोड़ा बहुत ले ली हूँ। काली मिर्च है, बड़ी इलायची, लौंग एक दो है, तेजपत्ता, दालचीनी, अभी प्याज फ्राई करने को रखी हूँ। अभी तेल गर्म हो गया है, ये सब इसमें डाल दूँगी और साथ ही में प्याज भी डाल दूँगी लाल होने को। तो अभी इसका अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया की पत्ती और हाँ हरी मिर्ची भी डाली थी, सबका पेस्ट बना दी हूँ। हरी मिर्ची दिखाना भूल गई। अभी इसमें सूखा मसाला सब डालूंगी, अभी डाली हूँ ना तो ऊपर गिरा हुआ। ये है धनिया पाउडर, और ये मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मसाला हरा बनाना है। ये हल्दी, अभी ये गरम मसाला पाउडर लूँगी। आप जितना बनाए आप अपने हिसाब से मसाला डालें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ। ये सब मसाला इसमें डाल दी हूँ। ये प्याज भी लाल हो रहा है, ये थोड़ा और लाल हो जाएगा, उसके बाद इसमें मसाला डाल के पूरा मसाले को अच्छे से भून लूंगी। भून के फिर जो पाया है वो डाल दूंगी मैं इसमें, डाल के उसके बाद 5 से 10 मिनट उसको धीमी तव पे पकाना पड़ता है कि मतलब पाए में मसाला अच्छे से घुस जाए। अभी ये लाल हो गया है, अभी इसमें मसाला डाल दूंगी। ये जो मिक्सर के जार में मसाला बचा था उसमें पानी डाल के डाल दी। अभी इसी मसाले को अच्छे से भुनना है, यहीं पे नमक भी डाल दूंगी। अभी नमक डाल दूंगी इसमें। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब इसको सिर्फ मसाले को अच्छे से भून के उसके बाद पाया डाल देना है। उसके बाद उसको धीमी तव पे जितना आपको सालन लगाना है उतना पानी डाल दो,
सालन लग जाएगा और धीमी ताव पे 5 से 10 मिनट पकाना है। मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ कि मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, अभी सीधा तैयार होने के बाद ही मैं दिखाऊंगी आपको। अभी मोबाइल मेरा सिर्फ 3% चार्ज है, कब बंद हो जाए नहीं मालूम। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए पाया बन के तैयार हो गया। अभी इसमें कोथमीर हरी धनिया काट के डाल दूंगी और जिसको नींबू डाल के खाना होगा अलग से और नींबू डाल के खाएंगे, हरी मिर्ची डाल के खाना होगा काट के वो डाल के खा सकते हैं। अब बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, आप ट्राई करके देखना मेरी रेसिपी। चलिए मिलती हूँ फिर। हरा हरा दिखता है हर चीज, हरा हरा दिखता हर चीज, हरा हरा दिखता है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो अभी रोटी खा लो, पाव सुबह में मंगा देंगे। अरे सुबह पाव मंगा देंगे सच में। 8 बजे सब बंद हो जाता है। आ गए अब्बा, आ गए। सुबह में पाव मंगा देंगे। चलो अभी रोटी और पाया का सालन खा लो। अच्छा बन ले अम्मा। तो अभी पाया भी बन गया, खाना भी सब खा लिए, तो मैं सोची वीडियो एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है ना, तो कोई भी नहीं देखता है पूरी वीडियो। आप प्लीज पूरी वीडियो आप देखा कीजिए। और चलिए फिर वीडियो, अरे ये पाया की रेसिपी ना आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल अप्रैल है, 1 अप्रैल है, कल मेरे लिए खास है, 1 अप्रैल को बताऊंगी आपको कल के वीडियो में। चलिए अल्लाह हाफिज़।